सलमान सर भी थे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जावेद ने अखिल और फिर उन्होंने बाद में मुझे बहुत भी किया हम आपके यहाँ कौन देख के आए थे हम थिएटर्स में माधुरी जी की और मेरे को था कि मुझे इनके लिए गाना है तब मुझे पता लगा था कि ये माधुरी दीक्षित की आवाज नहीं है कोई और गा रहा है उनके लिए सबसे पहले मैं लिरिक्स पढ़ती हूँ कि बिना ट्यून सुने कि कहना क्या चाहता है राइटर या लिरिक्स लिरिक्स जब मैं बॉलीवुड में आई मुझे गाने मिले बोलना तेरे बिन फ्रॉम सिम्बा सारे रोमांटिक गाने का

आज हमारे साथ में है एक बहुत ही कमाल के सिंगर उमर बहुत कम है लेकिन जो इनका मेंटल स्ट्रेंथ है और जिस लेवल पे इनकी आवाज से बात पहुंच रही है पहुंच सकती है वो आई थिंक I बहुत ही गैर मामूली है आई है स्वागत आपको बॉलीवुड थैंक यू थैंक यू सो मच इट्स अ प्लेजर कमिंग हियर थैंक यू वेरी मच एंड आपके आपके आई थिंक गाने जिस तरीके से मकबूलियत मिल रही है वो कमाल की मकबूलियत मिल रही है एंड पीपल uh, right मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था कि मैंने आपसे अबू धाबी में भी जिक्र किया था कि जब आइफा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगर्स uh, थे और आप भी थीं और जब जब आपने गाया तो जनरली लोगों का मानना यह था कि यार ये आवाज़ जो है ये कुछ अलग ही स्टैंड आउट करा <laughs>

और uh, मतलब बिकॉज जब गला खराब होता है तो वोकल कॉर्ड्स एकदम डैमेज होते हैं तो वो सही से वर्क नहीं कर रहे होते तो आपको मतलब इतना तो प्रैक्टिस करके बैलेंस आउट करना पड़ता है सो दैट्स हाउ यू डू इट ये जो डिबेट है कि दैट uh, आवाज कितनी ऑटो ट्यून करनी चाहिए hmm. uh, कितना एक नेचुरल फील रखना चाहिए रियल फील रखना चाहिए hmm. इसके बारे में आपको क्या मानना है सी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सब एकदम फुल इन ट्यून गा सकते हैं हमारे uh, सारे इंस्ट्रूमेंट्स फोर फोर्टी पे ट्यून्ड होते हैं और उसकी वजह से एवरी सिंगर इज़ यूजिंग ऑटो ट्यून एंड आई थिंक स्टूडियो में अगर आप ऑटो ट्यून यूज़ करें इज़ नो हार्म इन इट और वो सुनने में ज़्यादा अच्छा ही लगता है प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है कि आप जब बहुत ही बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून गा रहे हैं और फिर आप उसको फुल ट्यून करें तो वो आपको सुनाई भी देता है किसी किसी ट्रैक में कि यार ये फ्लैक्सड बॉयज़ है यहाँ पर थोड़ी खिंच गई है

Uh, तो अगर हमें अपनी कुछ क्लासिकल ट्रेनिंग के बारे में बताएं सी uh, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं पाँच साल की थी और uh, मैं सिख फैमिली से, से बिलोंग करती हूँ तो गुरबानी से, से मैंने खुद स्टार्ट किया बिकॉज मैं बहुत छोटी थी और पापा कहते थे कि जैसे गुरुद्वारे में रागी होते हैं किसको एक शब्द सिखा दो ये स्टेज पर गाएगी तो सब कहते थे अभी बहुत छोटी है एक दो साल रुक जाओ बट पापा को था कि यार रुकना क्यों है लेट्स डू इट और मैं एक दिन स्कूल से आई थी और एपल की एक पोएम हमें सिखाई थी स्कूल में तो आई वॉज़ प्रैक्टिसिंग दैट ऑन हारमोनीय बुआ का एक हारमोनीम था घर पर तो मैं ट्राई कर रही हूँ वो क्या एप्पल एप्पल करके मैं नोट्स ढूंढ रही थी कि ये कौन सा नोट है विच इज़ वेरी वियर बिकॉज पाँच साल के बच्चों को कुछ समझ तो आता नहीं है तो पापा वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे बहुत पूछ किया कि हाँ तू कर लेगी कर लेगी तो ऐसे करके मैंने एक महीना लगा कर, एक शब्द तैयार किया सुन, -सुन बार बार के सेट को वापस रिप्ले करके रिवाइंड करके सुनती थी और वापस गाती थी और फिर वो जब मैंने पहली बार गाया स्टेज पर तो इतना ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आया इतना प्यार मिला मुझे मुझे याद है मैं गुरुद्वारे में उतरी थी स्टेज पर और सब ने ऐसे मुझे पकड़ लिया था अरे बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा बेटा मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला तो वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ और क्लास सिक्सथ में मुझे याद है मैंने सोचा कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है Hmm. और हम आपके यहाँ कौन देख के आए थे हम थिएटर्स में माधुरी जी की और मेरे को था कि मुझे इनके लिए गाना है तब मुझे पता लगा था कि ये माधुरी दीक्षित की आवाज़ नहीं है कोई और गा रहा है उनके लिए hmm. तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छे ऐसे बॉलीवुड फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग होती है तो फिर पापा ने कहा देखो अगर करना ही है इसको ठीक से तो फिर यूल हैव टू लर्न आप खुद मतलब सेल्फ टॉट होकर इतना hmm. मतलब नहीं कर सकते फिर पहले स्कूल में सीखती थी सरगमें और राग जो सिखाए जाते थे सिलेबस में फिर हमने जलंधर जाकर उस्ताद पूर्णिशा कोटी जी से uh, सूफी और क्लासिकल सीखना शुरू किया hmm. मैं और मेरी सब हम चारों भाई बहन गाते हैं तो हम सब गाड़ी में बैठते थे और uh, आठ घंटे का ड्राइव करके जाते थे और सैटरडे संडे वहाँ सीखते थे फिर वापस आते थे संडे नाइट फिर मंडे से स्कूल होता था सो so दैट्स

ये सब तब uh, मैंने रियलाइज़ किया जब मेरा गाना बोलना रिलीज़ हुआ था दैट वाज माय फर्स्ट बिग सॉन्ग विद धर्मा प्रोडक्शन्स और uh, उससे पहले भी मैंने एक दो गाने गाए थे बट वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे नहीं थे और ये बहुत बड़ी पिक्चर थी कपूर एंड सन्स तो hmm. ज़ाहिर सी बात हो जाती है ना कि बड़ी प्रमोशन बड़ी पिक्चर तो वो गाने का गाने का रीच बड़ा हो जाता है एकदम तो uh, जब मैंने बोलना गाया और मतलब वो एक मतलब बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है सिर्फ पंद्रह मिनट में मैंने वो मैं स्टूडियो में एंटर करी मैंने गाना गाया और मैं वापस आई क्योंकि मुझे एक फ़्लाइट कैच करनी थी <laughs> तो ऐसा वाला सीन था तो मतलब वो सिर्फ वो जो मुझे वो पंद्रह मिनट मिले थे और मुझे था कि यार ये मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और मतलब मुझे बेस्ट गाना है और मुझे सिर्फ ऐसे करके बुलाया गया था कि हम आपकी आवाज़ को ट्राई करना चाहते हैं एक फिल्म के लिए मैंने कहा ठीक है और वो मैंने गाया और जब वो गाना रिलीज़ हुआ तो तब मुझे लोगों ने कहा कि यार जब आप गाते हो ना तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है और मैंने गाया था वो रोमांटिक सॉन्ग और मैंने उसमें और मेरी बुरी आदत कह लो अच्छी आदत कह लो जब भी मैं रोमांटिक सॉन्ग गाती हूँ ना मतलब आई डोंट हैव अ लव इंटरेस्ट राइट नाउ इन माय लाइफ बट मगर मैं हमेशा ना आई थिंक अबाउट गॉड एंड देन आई सिंग अ रोमांटिक सॉन्ग मे बी बिकॉज मैंने बहुत गुरबानी गाई है एंड आई कनेक्ट टू हिम इजिली और मुझे वो लगता है कि यार एक वही प्यार है जो दुनिया में सच्चा है जो कभी धोखा नहीं देता है क्या बात है और uh, तो व्हेनेवर एवर आई सिंग ए रोमांटिक सॉन्ग आई आई रिम्बर हिम और मैं फिर गाती हूँ और आई थिंक उसकी वजह से वो लोगों के जहन में जल्दी उतरता है बिकॉज़ इट्स प्योर क्योंकि बहुत प्योर फीलिंग से जब आप गाते हैं तो वो उसी uh, तरीके से एबज़ॉर्ब भी होती है सामने वाले को सो डेफिनेटली गुरबानी गाने की वजह से जो मेरा सारा ये जो सफ़र रहा है

Uh, बचपन में भी जब हम गुरबानी गाते थे तो मतलब मैं जब यूज़ uh, मैं कंपोज करती थी शब्द तो पहले पापा उसका मतलब समझाते थे कि ये विराग वाला शब्द है कि इसमें दर्द की बात हो रही है या ये रिक्वेस्ट वाला है या इसमें अरदास की बात हो रही है hmm. तो जब आपको आप मीनिंग समझ आता है ना तो आप उस तरह से सोचते हैं फिर उस तरह की ट्यून बनती है तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई कनेक्ट टू लिरिक्स सबसे पहले और मैं समझने की कोशिश करती हूँ सामने जब आते हैं तो सबसे पहले मैं लिरिक्स पढ़ती हूँ कि बिना ट्यून सुने कि कहना क्या चाहता है राइटर या लिरिक्स लिरिसिस्ट क्या कहना चाहते हैं क्या कन्वे क्या करना चाहते हैं देन आई मेक इट कि अच्छा मैं अगर इस सिचुएशन में होती तो मैं कैसे गाती और फिर उसके बाद मैं सुनती हूँ कॉम्पोजिशन और फिर जैसा मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे कहते हैं कि हमें ये फील चाहिए या हमें ये टोन चाहिए और मेरे साथ ये भी बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है कि मैं

रंग तेरा ढोलना एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई बोलना, माही बोलना बोलना माहे बोलना बोलना माहे बोलना बोलना माहे बोलना रात लंबिया तो मुझे अंतरा ही गाना चाहिए बिकॉज खैर बोलना भी मैंने अंतरा गाया था और बट यहाँ तो मुझे डेफिनेटली अंतरा गाना चाहिए जो आपको चम 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 राधे तारे कहते तू ही चन मेरे दिल सजना तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा छड़ के ना जावे मेनू तू ही है सहारा कैसे राता ओ सावरे जिया जाता सुन बाबर तम्बिया लंबिया रे कटे तेरे संगया संग रे किरा तमिया लंबियां रे कटे तेरे संगया संग <laughs> एक एस्पेक्ट जो मुझे आपके मतलब पर्सनालिटी में और सिंगिंग में नजर आता है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा देखिए क्या होता है अभी जो आर्टिस्ट होता है मुझे लगता है कि उसका किसी भी तरीके का पर्सनालिटी हो सकता है मुझे लगता है एट टाइम्स एरोगेंस भी खूबसूरत लगती है आर्टिस्ट के अंदर आई थिंक देर देर इज एन एलिमेंट ऑफ उसमें भी एक बात होती है या फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई टेंड कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसमें भी एक बात होती है जो भी है लेकिन आपके जो मुझे म्यूजिक में भी और जो पर्सनैलिटी में जो एक जो चीज़ बहुत क्लियरली आती है वो एक एक लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी है hmm. आपकी उम्र बहुत कम है लेकिन यू आर एन ओल्ड ओल्ड जी <laughs> <laughs> तो वो जो एक, जो, जो एक डाउन टू अर्थ एलिमेंट है जो ह्यूमिलिटी एलिमेंट है वो hmm. आपके क्राफ्ट hmm. में भी है आपके आर्ट में भी है आई आई थिंक क्यों जरूरी है आपके लिए क्यों ज़रूरी है तो ये कभी मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा ही नहीं मुझे नहीं। लगता है कि जो मैं ये कर पा रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता ऐसा नहीं है मुझसे भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं इंडस्ट्री में भी कह लीजिए और बहुत ऐसी आवाज़ें हैं जो अभी तक इंडस्ट्री में आई नहीं है शायद उनका वो मतलब होता ना हर एक इंसान का एक टाइम होता है सामने आने का खुलने खुल के आने का तो आ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स मुझे जो लोगों से आज तक मिली है गुरबानी गाने की वजह से और ये मतलब मेरे हाथ में है ही नहीं मुझे लगता है कि आ, ये जो सारा फेम होता है ये जो सब अच्छे गाने हैं ये आपको किस्मत से मिलते हैं और आपको कभी भी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए जितनी जल्दी ये आता है ये उससे डबल स्पीड से वापस भी जा सकता है इफ़ यू लाइक भैया मेरे से अच्छा कोई नहीं गा सकता अगर मैं इस जोन में चली जाऊं तो मैं रियाज करना छोड़ दूंगी Correct. मुझे लगा कि यार ठीक है मेरे गाने तो चल रहे हैं यार मैं नहीं भी रियाज करूंगी चार पांच दिन तो किसी को पता नहीं चलेगा बट तो ऐसा नहीं होता है डेफिनेटली आप जब एक दो दिन रियाज नहीं करते आपको खुद को समझ आता है। और अगर आप से गैप डालते हैं तो है। मुझसे अच्छा कोई नहीं गा सकता या मेरे गाने चलते हैं तो जिस दिन मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई मुझे ऐसा मतलब अंदर से ऐसा डर लगता है कि यार सब कुछ चला जाएगा इट्स लाइक like, सब बेमानी हो जाएगा करेक्ट ना जनरली मेनी टाइम्स जो पंजाबी गाने होते हैं आई थिंक पंजाबी आई थिंक म्यूज़िक और आई थिंक खूबसूरती यही है कि जो सूफी स्परिचुअल्स जो सॉफ्ट सॉन्ग्स हैं दे आर इक्वली लॉन्ग लास्टिंग एंड ब्यूटिफुल एंड कॉन्सेप्ट यही है कि तड़कते भड़कते गाने पंजाबी में ज्यादा होते हैं mm. कि बता आज के टाइम पर नेहा कक्कर सत्तर मिलियन फॉलोअर्स देखें इंस्टाग्राम क्वीन बनी हुई है mm. आपका क्या था प्रोसेस होता है दैट सॉन्ग्स प्रेफरेंस की लाइक मे बी फॉर सो देखिए जब मैं इंडस्ट्री में आई थी hmm. तब मुझे जो गाने मिलते थे मैं गाती थी hmm. और यूज और जब मैं आई थी बहुत अच्छा दौर था फिल्म सॉन्ग्स वाल सिर्फ hmm. फिल्म सॉन्ग्स उस समय चल रहे थे नॉन फिल्म अब एकदम मतलब बूस्ट हो रहा है लास्ट तो, दो दो ढाई सालों से बट hmm. uh, जब फिल्म सॉन्ग्स आते थे तो आई वाज लाइक कि मुझे अपना एक मार्क बनाना है तो आई यूज टू सिंग ऑल द फिल्म सॉन्ग्स और आई एव बिन वेरी लकी कि मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अच्छे गाने हैं ना मुझे ढूंढ लेते हैं और मेरे है? पास आ जाते हैं हुँ. तो मतलब मुझे उसमें वो मेहनत और वो करना नहीं पड़ता एकदम एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता कि यार कोई मुझसे गवा लो यार अच्छा गाना दे दो मुझे तो वो आई थिंक दिस इज़ ऑल और मुझे मिलते हैं वो गाने खुद से तो हुँ. मेरे वो एक फिल्म uh, सॉन्ग्स जब आने शुरू हुए और सब ने इतना प्यार दिया तो आई फॉर लास्ट टू इय लाइक थर्ड टॉप फीमेल आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई लाइक इतने स्ट्रीम्स हुए गानों के और अब उसके बाद इसी इस, इसी टाइम में नॉन फिल्म म्यूजिक बढ़ने लग गया तो अब चक्कर यह है कि जब कोई मेरे पास आता है ना तो उनको लगता है कि यार यारी से गाना गवाएंगे तो स्ट्रीम्स तो आई जाएंगे और ये इतना बड़ा प्रेशर हो जाता है ना इस बात का दिल पे क्योंकि फिर अब आपको बहुत सोच कर गाने चूज करने पड़ते हैं क्योंकि मतलब अब बहुत मतलब दिन में आई थिंक दस गाने हमारे पास आते हैं तो मैं और मेरी टीम बहुत बैक एंड फोर्थ होता है कि कौन सा गाना गाना चाहिए कौन सा नहीं गाना चाहिए और जब आई आई थिंक फ्राम ऑलवेज फ्राम लाइक लिरिकल एस्पेक्ट या कम्पोजिशन एस्पेक्ट और इसलिए फिर मेरी टीम होती है वो सब कमर्शियल एस्पेक्ट से सोचती है तो फिर हम दोनों बैठ कर फिर साथ में डिसाइड करते हैं कि hmm. क्या करना चाहिए बिकॉज इट इज़ सच अग प्रेशर बिकॉज लोग तो आ जाते हैं कहकर कि यार गातेगी तो स्ट्रीम्स आ जाएंगे अपना प्रोफाइल सेट हो जाएगा गाना हिट हो जाएगा बट एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है दिल पर और जब तक ये प्रेशर नहीं था तब तक बहुत ऐश हो रही थी, थी. ज़िंदगी में आ रहे थे गाने गा रहे थे चिल कर रहे थे एकदम तो.

तो um, क्या आपकी अप्रोच होती है एंड एंड हाउ डू यू लुक एट इट बिकॉज यू हैव अ फन साइड योर योर सिंगिंग व्हिच 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 इज 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 वेल मैं एक्चुअली बहुत uh, जब मैं पानीपत में रहती थी तो मुझे लगता था सिंगर वही हिट है जिसका गाना डीजे पे बजाए है क्योंकि हम शादियों में जाते थे वहीं डांस होता था और लगता था और मैं देखती थी नहीं मैं सिंगर नहीं हूं। और जब मैं बॉलीवुड में आए, मुझे गाने मिले बोलना, तेरे बिन, सारे रोमांटिक गाने और मैं मन में सोच रही हूँ यार तो डीजे पे तो नहीं बज रहे होंगे मैं मतलब बॉम्बे में रहती थी मैं सोचती थी पानीपत में तो मेरे गाने नहीं बज रहे होंगे डीजे पे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैं सिंगर बन गई हूँ तो आई थिंक जब मखना आया तो ये चेंज हुआ अखलड़ जावे आया तो ये एस्पेक्ट लब चेंज हुआ आई थिंक और सलमान सर भी थे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखलड़ जावे मैंने गाया और फिर उन्होंने बाद में मुझे बहुत अप्रीशिएट भी किया तो मुझे मतलब ये कुछ कुछ पल होते हैं ना जिंदगी में जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं कितनी बड़ी बात है सलमान सर ने बुलाकर बोला आपने बहुत अच्छा गाया तो मतलब कहाँ मतलब मैं बैठ कर सोचती थी कि उनको मेरा नाम भी कभी पता होगा कि नहीं पता होगा तो ये लाइक एकदम इट्स समथिंग एल्स तो जब uh, ये गाने मुझे मिलने शुरू हुए अखलर जावे वॉज द फर्स्ट पार्टी नंबर आई डिड तो रियली थैंकफुल टू उत्तानिश के नज़ीम कि उन्होंने इस गाने के लिए मतलब मुझे ट्राई किया मेरा वॉइस को मैं कोई और गाना गाने ही गई थी रोमांटिक hmm. उन्होंने कहा यार दो लाइन इसकी भी गा दी आई हुई है तो बट वो बहुत अच्छा आया तो hmm. so, मैं शुरू से ना मतलब जब मैं बचपन में भी मतलब मैं सोचती थी कि यार डीजे में अगर मुझे गाना मिला डांस नंबर तो मैं कैसे गाऊंगी और मैं क्या सोचूंगी तो मैं उसी थॉट प्रोसेस से सोचती थी और लाइक आई आई इमेजिन माई सेल्फ इन अ डिस्क एंड आई देन आई लाइक स्विंग टू द सॉन्ग एंड देन आई सिंग एकदम मस्ती में hmm. तो जब आप खुद फील करके गाते हो तो वो फीलिंग अच्छे से पहुँचती है ऑडियंस तक तो दैट इज़ द वे एंड आई एंजॉय ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग मतलब मैं कब से वेट करी थी कि यार नए नए तरीके के गाने मुझे मिले ट्राई करने hmm. अभी भी बहुत सारे ऑनर्स हैं जो मैं खुद ट्राई करना चाहती हूँ और अब तो नॉन फिल्म म्यूजिक भी आ गया है तो आई कैन ट्राई इट देयर और फिर वी कैन टेक इट टू फिल्म म्यूजिक बट मतलब मज़े वाली जिंदगी है यार <laughs> <laughs> और जैसे मैंने आपसे कहा कि दैट जो ह्यूमिलिटी का एलिमेंट है और जो आई थिंक बहुत बार जब जब सिंगर्स जब जब बड़े बन जाते हैं तो फूब अपने अपने परसोना में इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि भाई मैंने जैसे आपने कहा कि uhum. मैंने तो जिसको स्टूडियो में खड़ी हो गई मैं तो वो अपने आप में बड़ा हो जाएगा वो uhum. लेकिन uh,

उन्होंने एक बार मुझसे एक जिक्र किया था कि लोग आपको जो बुलाएंगे स्टूडियो में जो बुलाते हैं सिंगिंग hmm. uh, के लिए सिंगर्स को जो भी तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं बुलाते हैं कि आप कितने टैलेंटेड हैं hmm. वो इस वजह से बुलाते हैं कि दैट वेदर दे विल बी एबल टू गेट विद यू और नॉट बिकॉज़ आपको साथ में hmm. खाना खाना है आपको साथ में hmm. uh, गाना पूरा तैयार करना है सब कुछ करना है सो दे नीड टू लाइक यू दे नीड टू लाइक यू एज अ पर्सन एंड दैट इज लाइक मे बी इक्वली इंपॉर्टेंट मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन इम्पोर्टेंट योर टैलेंट मुझे नहीं मैं को तंग करती हूँ यू नो वो आपके म्यूजिक में भी आता है वो जिस तरीके से आपने कंडक्ट किया अपने तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि कि इतने बिलियन व्यूज हुए हैं इतने मिलियन व्यूज हुए हैं इनके और इनका वो जी तो आशीष कौर के जब नाम आया तो फिर वो आज आपने जब गाया सबको पता चल गया कि कौन oh, क्या है कौन कितने पानी में सो एवरीवन केम टू नो अबाउट दैट सो दैट इज समथिंग विच इज व्हिच इज ओके अगर हम कुछ मखना और अक्नेज yes, करेंगे दो दो लाइन में बोल सके तो आ तो. <laughs> ਜੋ ਅੱਖ ਲੜ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੜਪਾਵੇ ਦਿਲ ਚੈਨ ਕਹਿ ਨਾ ਪਾਵੇ 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 ਜੋ ਅੱਖ ਲੜ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੜਪਾਵੇ ਦਿਲ ਚੈਨ ਕਹਿ ਨਾ ਪਾਵੇ 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 ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਅੱਖ ਲੜ ਜਾਵੇ ਹੈ जो अखलड़ जावे जो अखलड़ जावे फैंटास्टिक फैंटास्टिक एंड मखना यू यू वांट टू टेक टू लाइंस लाइक दैट जी ये भी न जाने वो भी जाने नैनो के रंग न जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं मलंगोड़ाई घर बार मेरा हो मखना वे मखणा अब तू ही है संसार मेरा हो मखना वे मखणा ये पागल सा है प्यार मेरा हो मखना वे मखणा मैं छोड़ाई घर बार मेरा फैंटास्टिक 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 आपके नजर में ये जो पंजाबी म्यूजिक की जो पॉपुलैरिटी है दुनिया भर में ना सिर्फ मतलब आई थिंक जो डायस्पोरा है बिकॉज़ इवन पाकिस्तान में आई थिंक देयर इज ह्यूज चंक ऑफ पीपल हु वर पंजाबीज मे बी मच मोर देन देन व्हाट दे स्पीक उर्दू एंड इवन इवन फॉरेनर्स दे लाइक पंजाबी म्यूजिक दे दे रियली लाइक ग्रूविंग टू प्लेसेस लाइक यूके एंड ऑस्ट्रेलिया इवन इवन द फॉरेनर्स दे लव इट कनाडा फॉर एग्जांपल सो so, ये आपकी नज़र में पंजाबी म्यूजिक की पॉपुलरिटी का क्या रीजन क्या है और उसके अलावा क्या आपको लगता है कि कंसिडरिंग की पंजाबी जो कल्चर है उसमें उर्दू जो है बड़ा नेचुरली इंग्रेन होता है नहीं। नहीं। तो जो तलफ़स जो एक नेचुरली आप लोगों को मिल जाता है क्या वो भी कंट्रीब्यूट करता है आपके आपकी अदायगी डेफिनेटली देखिए पंजाबी म्यूजिक का लाइक like, ग्लोबली इतना फेमस होना और इतना पसंद करने करे जाने का रीज़न एक बहुत सिंपल रीज़न है जी एक तो ये कि पंजाब जहाँ है उसके साथ पंजाब और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है hmm. मतलब जैसे साउथ साउथ म्यूजिक इंडस्ट्री है दे आर लाइक इन इन देयर ओन बॉलीवुड इज़ लाइक पैन इंडिया तो hmm. पंजाब का जो है ना वो होता है ना एक रोब वाला चीज़ है तो वो hmm. अपने में ही मतलब मस्त है एकदम और वो एक के बाद एक कमाल के गाने बना रहे हैं तो जैसे ही वो पंजाब मार्केट में आता है इट कवर्स हरियाणा ऑल्सो इट कवर्स डेली ऑडियंस ऑल्सो और जैसे ही गाना दिल्ली पहुंचता है फिर वहाँ से गाना बॉम्बे पहुंचता है सो दिस इज हाउ इट वर्क्स और जो पंजाबी आप कह रहे हैं यू के और कनाडा आधा आधा पंजाब तो कनाडा बैठा है मतलब बच्चे बड़े होते हैं पहले ही होता है कि भैया इन्हें बाहर भेजो पढ़ने <laughs> या जो भी काम करने तो यहाँ से फिर वो म्यूजिक वहाँ जाता है एंड इवेंचुअली इट और जब आपको गाने में मज़ा आ रहा है आपको मीनिंग भी नहीं समझ आ रहा बट यू आर इन्जॉइंग द म्यूजिक यू आर एंजॉइंग द बीट्स यू गो अंग तो आई थिंक वहाँ से वो फिर यू के यू एस और फिर कैनेडा वो सब वहाँ मतलब पसंद किया जाता है दैट इज़ अ रीज़न पंजाबी मार्केट इज़ अ बिग बिग मार्केट अ ग्लोबल मार्केट और इसलिए मुझे पंजाबी गाने गाने में मज़ा भी बहुत आता है right. और, और जो आ... आप कहते हैं कि लैंग्वेज uh, वाली बात है डेफिनेटली उर्दू का बहुत ज़्यादा मतलब असर है पंजाबी और उर्दू मतलब साथ साथ में चलती हैं और uh, uh, मतलब uh, इसीलिए हमें थोड़ी उर्दू समझ भी आती है और uh, जो uh, और जो पाकिस्तान की तरफ से uh, जो पंजाबी है ना उनकी तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा और भी मतलब ठेठ uh, पंजाबी है बहुत मीठी मीठी और वो उसमें बात करने में मतलब मजा भी बहुत आता है और अगर थोड़ी गाली भी देते हैं तो ऐसा लगता है मजाक ही कर रहे हैं ऐसे कर <laughs> मतलब बहुत क्यूट लैंग्वेज है और आई थिंक और और फोनेटिक्स बहुत इजी uh, है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिल तुझको दिया ये हिंदी में हम बोलते हैं और लाइक like, uh, मैं दिल दे दिता तैनू तो so, ये गाने में ज्यादा मजा आ रहा है इसमें थोड़ा सा वो है, लचक है मैं दिल दे दिता तैनू ये मतलब मजा आ रहा है सुनने में अभी बिना बात किए मतलब ये मैंने अभी बैठे-बैठे आपके सामने किया और ये और इसी कॉम्बिनेशन ये मैंने दिल तुझको दे दिया तो थोड़ा सा अड़ा मतलब hmm. मुझे ऐसा लगता है बट वो दिल मैं दे देता तेनु वो खुद ही मतलब ऐसे वो तेनु और दिता ऐसे ऐसे वर्ड्स hmm. जब आते हैं तो वो आई थिंक म्यूजिकली बहुत इजी uh, होते हैं ग्राफ्स right. Maybe, yeah. uh, you like Do you compose? Uh, I compose, but uh, अभी तक मैंने ऐसा कुछ रिलीज नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मतलब बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मेरी जिंदगी में अभी सभी कंपोजर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मेरे को क्यों कंपोज करना है पांच <laughs> अच्छा। साल बाद जब मुझे लगेगा कि और मुझे कोई नहीं बुला रहा है तो मैं खोलूंगी अपना बिटारा और मैं कहूँगी अब मेरे को कंपोज किए हुए गाने सुनो <laughs> बहुत जी का हारमोनियम खोलेंगे <laughs> बिल्कुल <laughs> <laughs> okay. बहुत से लोगों को आज के टाइम पे कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री फंक्शन करती है उसके बारे में बहुत सी चीजें नहीं पता है लॉजिस्टिकली पहले तो ये था कि yeah. पहले ऑडियो कैसेट सेल होते थे उसके बाद फिर सीडीज सेल होती थी ऑडियो सीडीज सेल होती थी ना ऑडियो कैसेट होते हैं ना ना सीडीज होती हैं तो

और आई थिंक दैट वॉज द हार्डेस्ट टाइम फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री बिकॉज लेबल्स जितना भी मर्जी काम कर कर रहे थे बट रिवेन्यू था ही नहीं क्योंकि कुछ बिक ही नहीं रहा था पायरेट मतलब पायरेसी बहुत ज़्यादा चल रही थी hmm. और uh, फिर ये फिर नया ट्रेंड शुरू हुआ कि भैया अब कैसे पता लगेगा कि कौन सिंगर चल रहा है या कौन गाना कौन सा गाना चल रहा है फिर यूट्यूब व्यूज़ शुरू हुए बट एज एवरीबडी नोज कैन मैनिकलेट या वेरी इजिली और बहुत बुरा है बहुत ज़्यादा बुरा बिकॉज अब अब जब मेको इस चीज़ पर बहुत इरीटेशन होती है हमारे यहाँ के गानों के चार सौ मिलियन पाँच सौ मिलियन एक हज़ार मिलियन मिलियन हो गया जी हमारे गाने के और जब हम वेस्ट में जाते हैं वहाँ वो ट्रेंड ही नहीं है खरीदने वाला व्यूज़ और ये सब चीज़ आए मतलब नहीं है वहाँ ट्रेंड के और तो वहाँ मतलब वैल्यू है एक एक व्यू की मतलब तो वहाँ लिखता है अगर अडेल का गाना आया इतने व्यूज़ हैं और वो सब सब सब, सब सच्चा है

तो ये एक बहुत बुरा वाला सीन है तो जो अब वही सीन है अब आई थिंक बट स्ट्रीम्स आर लाइक रियली डूइंग गुड बिकॉज स्ट्रीम्स कॉन्ट बी मैनिपुलेटेड और अगर आपका गाना स्ट्रीम्स पर हिट है तो मतलब जेन्यनली ऑर्गेनिकली लोग आपका गाना कंज्यूम कर, कर रहे हैं विच इज़ अ गुड साइन टू नो कि गाना चला है कि नहीं चला है सो आई थिंक दैट रियली वर्क नाउ एंड रिवेन्यू वाला तो यही है नाउ सिंगर्स यूजअली मेक मनी थ्रू शोज Hi, this is a C-score and you are watching Bollywood Hangama.